तो गाइस 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 फाइनली आप सभी लोग देख सकते हो कि मेरी गेम के अंदर आ चुकी है लैम्बोर्गिनी सियान कार। एंड इस वाली कार को चलाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लैम्बोर्गिनी सियान कार का फुल गेम प्ले वीडियो दिखाने वाला हूँ। साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो मेरी गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी उरुस कार भी आ चुकी है, यानी कि आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों की दोनों कार की अपडेट बताने वाला हूँ। साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो मेरी गेम के अंदर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर न्यू GTA 5 मोड। एंड ये वाला मोड तो लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं किस तरह से GTA 5 मोड को प्ले कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको GTA 5 मोड की फुल अपडेट बताने वाला हूँ कि इसके ऊपर कितना काम कंप्लीट हुआ है, इसका अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लैम्बोर्गिनी सियान कार एंड लैम्बोर्गिनी उरुस कार की भी अपडेट बताने वाला हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपके लिए एक छोटी सी स्पेशल चीज भी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस माल की वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने कल की वाली वीडियो के अंदर आप लोग को बोला था कि कल की वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोग की कमेंट चलाने वाला हूँ एंड जो टॉप की कमेंट रहेगी उसको शॉर्ट आउट भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों कल वाली वीडियो की जो टॉप की कमेंट थी वो सिंपली जय प्लेस की थी एंड उसकी कमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और आज का जो शॉर्ट आउट जाता है वो जय प्लेस को जाता है। एंड गाइस अगर आप लोग भी मेरी वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट लेना चाहते हो, अगर आपकी कमेंट को भी मेरी वीडियो के अंदर देखना चाहते हो तो एक छोटी सी कमेंट कर देना। एंड गाइस अब से मैं शॉर्ट आउट तभी दूंगा जब मेरी वीडियो के अंदर 200 से ज्यादा कमेंट कंप्लीट होगी, यानी कि अगर वीडियो 200 कमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट आउट नहीं मिलेगा। तो जस्ट याद से वीडियो के नीचे एक छोटी सी कमेंट कर देना। एंड गाइस अगर हमारी वीडियो के अंदर 300 से भी ज्यादा कमेंट आती है तो उस वाली वीडियो के अंदर आप में से जिसका भी शॉर्ट आउट रहेगा उसकी चैनल को भी प्रमोट किया जाएगा। तो अगर 200 कमेंट कंप्लीट करवाओगे तो आपको शॉर्ट आउट मिलेगा, और 300 कमेंट करवाओगे तो आप सभी लोग को मिलेगा चैनल प्रमोशन। तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस ये सब तो रही नॉर्मल बात, बट अभी हम बात करते हैं हमारी गेम की अपडेट की। तो दोस्तों आप लोग को बताओगे तो हमारी गेम के अंदर एक प्यारा अपडेट आ चुका है जिसके अंदर हमें बहुत सारी अमेजिंग चीट कोड देखने को मिले हैं। उसके अंदर आप लोग को पता होगा तो जो मोड ऑन या पर ड्रोन ऑन का जो ऑप्शन था वो दोनों को मैच करके एक ही बना दिया है, यानी कि आप लोग यहाँ पर मोड ऑन करोगे तो आपका ड्रोन भी ऑन हो जाएगा। एंड उसकी हेल्प से आप सभी लोग यहाँ पर अलग अलग प्रॉप्स को उठा भी सकते हो एंड उसको कॉपी भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। एंड गाइस हमारे गेम के अंदर जो प्रॉप्स का अपडेट आया उसके अंदर जो न्यू प्रॉप्स एड हुए हैं उन्हें आप सभी लोग कॉपी कर सकते हो, उन्हें साइज से डिलीट कर सकते हो एंड उनका स्केल बढ़ा सकते हो, यानी कि उनका साइज बढ़ा सकते हो। एंड इसके अलावा पर हमारे गेम के अंदर यहाँ पर जो ट्री वगैरह थे, हाउस वगैरह थे, बिल्डिंग वगैरह थे, उनकी साइज साइज आप लोग नहीं बढ़ा सकते, उनको सिर्फ कॉपी कर पाओगे और डिलीट कर पाओगे। एंड यही न्यू फीचर हमारी गेम के अंदर ऐड किया है। लेकिन दोस्तों हमारी गेम के अंदर जो न्यू प्रॉप्स आए वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को ऑल न्यू अपडेट के सारे सारे चीट कोड बता दिए थे। एंड दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लैम्बोर्गिनी सियान कार एंड लैम्बोर्गिनी यहाँ पर उरुस के बारे में मस्त सी अपडेट बताने वाला हूँ, यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको हमारी गेम के अंदर आने वाली टॉप 4 अमेजिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों अभी मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा वो सारे सारे हमारे गेम के अंदर में जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हमारी नंबर 1 की अपडेट की तरफ। तो गाइस यहाँ पर जो मैं नंबर 1 पर अपडेट बताने वाला हूँ वो सिंपली गेम के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों एक अपडेट तो हमारे गेम के अंदर आ चुका है जो कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो अपडेट था वो सिंपली नॉर्मल अपडेट था, लेकिन हमारे गेम का जो बड़ा अपडेट आने वाला है वो अभी तक नहीं आया है एंड उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग चीजें आने वाली है। एंड गाइस अगर आप लोग को पता होगा तो जो इस बार का छोटा सा अपडेट आया है उसके अंदर ज़ॉम्बी मोड एंड पुलिस स्टेशन को बिल्कुल भी सही नहीं किया गया, यानी कि पुलिस स्टेशन पर अभी आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको सिंपली एक या फिर दो ही पुलिस देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा आप लोग को पुलिस देखने को नहीं मिलेगी। एंड आप लोग को पता होगा तो पुलिस स्टेशन के लिए एक अलग से अपडेट किया था जिसके अंदर सारे बग्स फिक्स हो जाएंगे ऐसे रोहित ने बोला था, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ दो ही पुलिस देखने को मिली थी। लेकिन ये वाला जो अपडेट आने वाला था उसके अंदर यहाँ पर सब कुछ सही होने वाला था, यानी कि इस वाले अपडेट के अंदर तो ये सब कुछ सही नहीं हुआ है। एंड अगर आप लोग ज़ॉम्बी मोड के अंदर जाओगे तो वहां पर भी आप लोग को ज़ॉम्बी देखने को नहीं मिलेंगे। जो ज़ॉम्बी हो गए वो सिटी पर यही कहीं घूमते हुए आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन पहले जो ज़ॉम्बी हुआ करते थे वो हमें सिंपल यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिलते थे एंड सारे ज़ॉम्बी वहां पर स्पॉन होते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा ग्लिच आ चुका है इसलिए सब कुछ अलग हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगला जो अपडेट आएगा उसके अंदर सबसे पहले यही चीजों को ठीक किया जाएगा, यानी कि ज़ॉम्बी मोड और पुलिस स्टेशन का पहला अपडेट हमारे गेम के अंदर आएगा। एंड दोस्तों बात करें कि जो इस बार का अपडेट आया था वो मेन अपडेट था कि या फिर मेन अपडेट अभी आने वाला है, तो दोस्तों ये वाला जो अपडेट था वो रोहित ने छोटा सा अपडेट किया ताकि आप लोग बोर ना हो एंड नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहो। तो अभी तो आप लोग ये करो कि हमारे गेम के अंदर जो न्यू प्रॉप्स आए उससे न्यू चीजों को बनाओ, उससे अलग अलग रैंप जैसी चीजें बनाओ, उससे कुछ अलग अलग तरह की चीजें बनाओ और ऐसे आप लोग मजे ले सकते हो। लेकिन हमारे गेम का जो मेन अपडेट आने वाला उसको आने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है एंड उसके अंदर जो जो चीजें आने वाली वो मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हमारे
नंबर 2 की अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये वाली जो अपडेट रहने वाली वो सिंपली न्यू कार्स की अपडेट रहने वाली है। एंड दोस्तों जो कार्स की अपडेट रहेगी उसके अंदर दो कार अभी कंफर्म हुई है। उसके अंदर जो पहली कार रहेगी वो सिंपली ये वाली लैम्बोर्गिनी सियान कार रहने वाली है। एंड आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो लैम्बोर्गिनी सियान कार है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी सियान कार ले ली है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर सामने देखोगे तो वहाँ पर स्कॉर्पियो एन कार भी है। एंड आप लोग की स्कॉर्पियो एन पर भी बहुत सारी कमेंट आ रही है, लेकिन उसके बारे में रोशन ने अभी तक हमें कोई भी डिटेल नहीं बताई है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी सियान कार देखने को मिलेगी तो आप लोग यहाँ पर जो स्क्रीन पर देखने को मिल रही है यही लैम्बोर्गिनी सियान कार है। लेकिन यहाँ पर इसका जो रूफ है वो ओपन है, लेकिन उसका रूफ ओपन नहीं रहेगा, वो कार हमें सिंपल एकदम फुल बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे गेम के अंदर हमें कुछ इस तरह की लैम्बोर्गिनी सियान कार देखने को मिलेगी। एंड मैंने ऑलरेडी आप लोग को इसका एक और गेम प्ले यानी कि येलो कलर की लैम्बोर्गिनी कार का गेम प्ले वीडियो दिखा दिया था, जो कि कुछ इस तरह का गेम प्ले था जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी कार रहेगी वो सिंपली लैम्बोर्गिनी उरुस कार रहने वाली है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो लैम्बोर्गिनी उरुस कार है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर हमारे गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी उरुस कार आएगी तो हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। एंड अगर लैम्बोर्गिनी सियान कार आती है तो हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। यानी कि जो दोनों के दोनों कार्स रहने वाली वो पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। एंड ये दोनों के दोनों कार हमारे गेम के अंदर जब ऐड होगी और आप लोग इसके चीट कोड डालोगे और अपनी गेम के अंदर इन सभी कार को लोगे तो आप सभी लोगों को गेम खेलने में नेक्स्ट लेवल मजे आने वाले हैं। एंड दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं नंबर 3 की अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये वाली जो अपडेट रहने वाली वो सिंपली मोस्ट डिमांडेड अपडेट यानी कि GTA 5 मोड की अपडेट रहने वाली है। एंड आप लोगों को पता करो जब हमारे गेम के अंदर GTA मोड के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था तो आप सभी लोगों को कितना ज्यादा मजा आया था और इसके ऊपर जो डिमांड बढ़ी थी ना वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो दोस्तों GTA मोड के ऊपर भी कितना काम कंप्लीट हुआ है, उसका अपडेट कब आएगा और किस टाइम को आएगा वो अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि रोहित ने बहुत टाइम पहले यहाँ पर GTA सिटी के ऊपर काम स्टार्ट किया था। तब उन्होंने हमें एक फोटो भेजा था जिसके अंदर ज्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर GTA 5 मोड के ऊपर काम चल रहा है और जैसे उसके ऊपर काम कम्प्लीट हो जाएगा तो आप लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। एंड GTA मोड के अंदर एक और न्यू चीज आ सकती है, वो है माइकल कैरेक्टर। दोस्तों ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर बहुत टाइम पहले माइकल कैरेक्टर को ऐड किया था, लेकिन कुछ कॉपीराइट की वजह से उसको रिमूव कर दिया था। लेकिन अगर उनको कॉपीराइट उसका मिल जाता है, मतलब कि उसका कॉपीराइट का जो लाइसेंस होता है वो अगर रोहित सर को मिलता है तो हमारे गेम के अंदर आने वाली इसी अपडेट के अंदर में माइकल का कैरेक्टर रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड आप लोग सोचो कि अगर हमारे गेम के अंदर माइकल का कैरेक्टर आता है तो हम सभी लोगों को गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। GTA 5 के अंदर हमें सिंपली 3 कैरेक्टर देखने को मिलता है, एक माइकल का और फ्रैंकलिन का और ट्रेवर का। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टर हमें शायद GTA मोड के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों ये जो GTA 5 मोड का अपडेट है उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कितना काम कम्प्लीट हुआ है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग को सबसे पहले आकर बता दूंगा। एंड दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की अपडेट की तरफ। तो दोस्तों जो ये वाली अपडेट रहने वाली वो सिंपली प्लगइन एप्लीकेशन की अपडेट रहने वाली है। दोस्तों हमारे गेम के अंदर प्लगइन का एक कमाल का अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जो प्लगइन का अपडेट आएगा उसके अंदर जो सबसे पहले अपडेट रहेगी वो सिंपली प्लेयर मोड की अपडेट रहेगी, यानी कि न्यू कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर जल्दी देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके अंदर माइकल का कैरेक्टर आएगा, ट्रावर का आएगा या फिर फ्रैंकलिन का, वो भी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस अगर प्लगइन वाले एप्लीकेशन का अपडेट आ रहा है तो उसके अंदर हमें एक या फिर दो व्हीकल देखने को मिल सकते हैं, न्यू एनिमल देखने को मिल सकते हैं, या फिर न्यू मैप वगैरह देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ और देखने को मिल सकता है, या फिर पूरा का पूरा न्यू ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे अपडेट आएगा तो आप सभी लोगों को गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रोहित सर जो भी अपडेट करते हैं वो अपडेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। एंड उसके अंदर जितनी भी चीजें आती है, थोड़ी या फिर ज्यादा है, लेकिन वो सारी सारी चीजें नेक्स्ट लेवल रहती है। तो दोस्तों हमारे गेम का अपडेट एंड प्लगइन का अपडेट जल्दी आने वाला है, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी है। एंड अगर आप लोग मेरी वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे प्यारी सी कमेंट कर देना। एंड मैंने आप लोग को जिस तरह से बोला कि अगर 200 कमेंट कंप्लीट होती है तो ही मैं आप लोग को शॉर्ट आउट दूंगा, एंड अगर 300 कमेंट कंप्लीट होती है तो ही मैं चैनल प्रमोशन करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी तो मैं मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।